तो बड़ी खेप जो है वो बरामद हो चुकी है और उसके बाद अब प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी इस मुतल्लिक। तो अटारी बॉर्डर पर हेरोइन की ये बड़ी खेप बरामद की गई है, करोड़ों की हेरोइन जो है वो बरामद की जा चुकी है। पाकिस्तान से नमक के ट्रक में भरकर ये हेरोइन आई थी और थोड़ी देर में इस मुतालिक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। अटारी बॉर्डर पर हेरोइन की ये बड़ी खेप को लेकर लगातार अपडेट्स आपको दे रहे हैं। एग्जामिनेशन किया, 14 बैग 14 बोरा स्टैक में सस्पिशियस आइटम मिला। फिर हमने उसको NDPS हमारा किट होता है उससे उसको एग्जामिन किया तो ये हेरोइन टेस्टेड पॉजिटिव फॉर हेरोइन। बाकी डिटेल सैंपल लेके अभी हम CRPL भेजेंगे, पर अभी तक जो हमारे पास किट के हिसाब से रिजल्ट है ये नारकोटिक्स और हेरोइन ही है। और इस केस में एक और लिंक आया था कश्मीर के एक आदमी है, उसको भी कल हमने जम्मू कश्मीर पुलिस के हेल्प से उसको पकड़ा है और अभी आगे क्वेश्चनिंग कर रहे हैं हम फर्दर। वैल्यू कुछ 25-2600 करोड़ मार्केट, अगर इंटरनेशनल मार्केट देखें तो 25-2600 करोड़ उसका वैल्यू होगा। तो ट्रक में से बरामद हुए हेरोइन के 500 पैकेट और प्रेस कॉन्फ्रेंस की ये तस्वीरें आप देख पा रहे थे, किस तरीके से अपनी बात रखते नज़र आए ये अधिकारी। और 500 से अधिक पैकेट जो है वो बरामद किए जा चुके हैं। ये अभी सेकेंडरी कंसाइनमेंट था, फर्स्ट कंसाइनमेंट में मुझे अभी लग, अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, तो अभी तक ऐसा कोई इंडिकेशन नहीं। ये खेप बरामद की गई है अटारी बॉर्डर से और 500 से अधिक के पैकेट जो थे वो बरामद किए जा चुके हैं। पाकिस्तान से आए नमक के ट्रक में से ये हेरोइन बरामद की गई। तो ट्रक में से ये खेप बरामद की गई, प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है इससे संबंधित और अधिकारी बताते नज़र आ रहे हैं कि क्या कुछ रहा पूरे मामले में और कैसे ये बड़ी कामयाबी हासिल की गई। तो पाकिस्तान की तरफ से ये जो जहर था ये पंजाब के रास्ते सप्लाई किया जा रहा था जिसको बरामद किया गया। 500 से अधिक पैकेट जो थे वो बरामद किए जा चुके हैं। ये भी थोड़ा टाइम लगेगा इसमें क्वेश्चन में। कुछ डॉक्यूमेंट मिला है लेकिन अभी वो अभी हम एग्जामिन कर रहे हैं। गुरविंदर सिंह अरेस्ट हुआ नहीं है बट अब वो प्रोसेस चल रहा है, एग्जामिन कर रहे हैं। फरार नहीं। This is during our examination. We have our examination system very, very foolproof and robust, because of which we are able to make such case. But we are generally very careful. Sir, it is during routine examination. On the other side, people, how do you hear? I mean, if was there any porous or if they efficient? If you are saying that you are so very, your officers are. So many efficient, why they people are so desperate that they are not scared of taking a chance, I guess.
सर नमक तो काफी सालों से आ रहा है, क्या आपका चलकर कब से बदली नहीं सर? तो किंदर सिंह से जो आपने पहली पूछताछ करी सर, उसने कुछ जानकारी दी कि ये पहली फैमिली में ये सामान उन्होंने जानबूझ के भेजा के क्या किसी ने मंगवाई थी उसके भी? अभी आई थिंक इसको रिवील करना ठीक नहीं होगा अभी। तो जी आपके पास स्कैनर नहीं है, पाकिस्तान के पास स्कैनर नहीं है, दे मस्ट हैव गोन थ्रू दैट स्कैनर। सो आई गेस सो सो आर यू सस्पेक्टिंग देयर ऑफिशियल्स इन्वॉल्वड इनटू इट और समवन? आई वुड रादर नॉट कमेंट ऑन दैट, आई कैनॉट कमेंट ऑन अदर गवर्नमेंट। सर उनके यहां से स्कैनर कहीं ना कहीं लैप्स तो हुआ है, अदरवाइज वहां से नहीं आ सकता। जैसे पिछले बार सोना भी आया था, 32 किलो सोना भी आया था, क्या नमक के ट्रक में ये हेरोइन भरी हुई थी और अटारी बागा बॉर्डर पर 523 किलो हेरोइन बरामद की गई है। हालांकि ये गिनती ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन जिस तरीके से पुलिस अधिकारी अब बता रहे हैं कि 523 के करीब खेप बरामद की गई है, यानी करोड़ों में इसकी कीमत है। 500 से अधिक पैकेट ट्रक में बरामद हो चुके हैं और पाकिस्तान से आए नमक के ट्रक में ये हेरोइन बरामद की गई है और 523 किलो इसकी गिनती है, कुल मिलाकर मात्रा है, माफ कीजिएगा। तो 523 का मतलब करोड़ों अरबों में ये खेप है, क्योंकि अगर एक किलो की बात की जाए, एक किलो हेरोइन की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में आमतौर पर 5 करोड़ होती है। अटारी बागा बॉर्डर पर यह खेप बरामद की गई है और पाकिस्तान से आए ट्रक में यह हेरोइन पकड़ेगी। कस्टम विभाग ने 2 लोगों को भी गिरफ्तार किया है, उनसे जांच पड़ताल चल रही है। अटारी बागा बॉर्डर पर जो खेप बरामद हुई है, कस्टम विभाग की प्रेस कॉन्फ्रेंस आप देख रहे थे जो चल रही थी, और 584 किलो हेरोइन बरामद की गई है। कस्टम विभाग ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है और 534 किलो हेरोइन जो है वो बरामद की जा चुकी है। और प्रेस कॉन्फ्रेंस आप सुन रहे थे किस तरीके से कस्टम विभाग के अधिकारियों की चल रही थी। 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया और बनती कार्रवाई की जा रही है।